नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी टी, -टी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है क्योंकि पावलाव स्कनार थान्डाई कोहलर से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉप फिफ्टी प्रश्न करने जा रहे हैं जी हाँ ये मनोवैज्ञानिक को सिद्धांतों के महत्वपूर्ण पचास प्रश्न जो रहने वाले हैं आपके फाइव प्लस अंक जो है निर्धारित कर देंगे पाँच से अधिक अंक आपके पक्के कर देंगे तो चलिए शुरुआत थी। चल है। करते हैं बाकी क्लासेज आपकी चल रही हैं आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर है सीखना विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है सभी बताइएगा सीखना विकास की प्रक्रिया है यह किसका कथन है हम बात करेंगे गुडवर्थ की बात करेंगे या गुड की बात करेंगे सभी लोग बताइए सीखना विकास की प्रक्रिया का यह सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कथन और किसी का नहीं आपके गुडवर्क का कथन हो जाएगा दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर देखिएगा ध्यानपूर्वक व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं किसने कहा है जी हाँ साथियों व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं किसने कहा था फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा जी हाँ जब भी अतिक्रमण का जिक्र हो गिलफोर्ड जी हाँ व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं अर्थात कहने वाले गिलफोर्ड महोदय हैं गिलफोर्ड के अनुसार यह परिभाषा है ठीक है गिलफोर्ड का स्टेटमेंट है अगला प्रश्न है सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है सभी परिचित होंगे जब भी सीखने का जिक्र आता है थांडाइक महोदय जी का जिक्र आता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का जिक्र आता है थांडाइक महोदय जी का आपका जिक्र आ ही जाता है ठीक है तो सीखने के नियम तीन नियम दिए थे सभी को पता होगा पहला मुख नियम में आपके तीन नियम हैं दो नियम थांडाई की नदी एक मुख एक गौर नियम मुख नियम आपके तीन हैं सभी जानते होंगे और गौर नियम आपके पाँच हैं ठीक है चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है अधिगम की कितनी विधियाँ होती हैं सभी फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा अधिगम के कितनी विधियाँ होती हैं जी हाँ अगर आपका जवाब आठ है बिल्कुल यहाँ पे सही कर रहे हैं जी हाँ साथियों अधिगम की टोटल आठ विधियाँ होती हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की अगला प्रश्न की गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है किसी के की गई क्रिया मान लीजिए आप क्रिया कर रहे हैं और हम आर आपके जो है समान परिस्थितियों में आपकी क्रिया को उपयोग कर रहे हैं मतलब किसी की गई क्रिया अन्य समान परिस्थितियों अन्य समान पर स्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है वही हमारा क्या कहलाता है सभी परिचित होंगे कई बार जिक्र कर चुके हैं क्लास में भी जिक्र कर चुके हैं मैराथन क्लास में भी जिक्र कर चुके है। आदिगम हैं वह साथियों अधिगम का स्थानांतरण जी हाँ साथियों सभी नोट कर लीजिएगा किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है अधिगम स्थानांतरण कहलाया जाता है और यह प्रश्न पूछा गया है रिपीटेड प्रश्न संभावित प्रश्न अगला प्रश्न है ई पी पौलाव किस देश के निवासी थे सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं आपके ठीक है पौलाव हो गए स्कनर हो गए थांडाइक हो गए कोहलर हो गए जीन प्याज जी हो गए ठीक है ये सारे मनोवैज्ञानिक आपके इन सारे मनोवैज्ञानिकों का वी एफ स्कन हो गए ठीक है इन किस देश के निवासी हैं इनका निवास ठीक है इनसे निवास के साथ साथ इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत इनकी जो तिथियाँ हैं उनको जरूर अपने माइंड पर सारी तिथियों को सारे सिद्धांतों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं जब सारी तिथियाँ इनके निवास स्थल इनके स्थान किस देश के निवासी हैं इनके संबंधित सि, महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको पता होगा क्योंकि सिद्धांत डायरेक्टली नहीं पूछा जाता उनसे रिलेटेड पूछा जाता है जब आपको सिद्धांत पते होंगे तो फिर आप ज़रूर उन सारे प्रश्नों को कम ठीक है सटीक तरीके से फीडबैक दे पाएंगे स्कोर को बेटर कर पाएंगे तो पलाव पालाव ई पी की जिक्र हो गया ई पी पलाव किस देश के निवासी थे सभी परिचित होंगे जब भी ई पी पलाव का जिक्र होता है रूस का नाम आ ही जाता है जी हाँ साथियों क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहा जाता है यह स्टिमुलस की बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे ई पी पालाव की बात करेंगे अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है अगर प्रश्न आता है तो ई पी पालाव महोदय जी को कहा जाता है 1904 सौ में इनको नोबल पुरस्कार मिला था सभी परिचित होंगे लार ग्रंथ की बात करेंगे अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है ई पी पालाव को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका ई पी पलाव महोदय जी का है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका ई पी पलाव महोदय जी का है ठीक है तो ये सारे आपको नोट करते जाना है अगला है पालाव को नोबल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला तो अभी हमने बात किया पालाव को नोबल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था तो पाचन क्रिया पर मिला था किस क्रिया पर मिला था साथियों पाचन क्रिया पर ई पी पालाव को पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला था कब मिला था उन्नीस सौ चार में सन भी याद रखेगा पालाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है अब देखिए अभी हमने पूरा आपको डिटेल के साथ बता दिया था पालाव ने किस पर प्रयोग किया ई पी पालाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया ठीक है थांडाइग ने किस पर प्रयोग किया बिल्ली पर प्रयोग किया इसनर ने चूहा पर और कोहलर ने चिंपाजी पर तो पालाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण आधारित जो सिद्धांत है अभी हमने बात किया किस सिद्धांत की शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करें ठीक है तो पालाव का जिक्र होता है शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का नाम आ जाता है और अगला प्रश्न है प्यारा सा न्यारा सा प्रश्न सभी पीट कर दिएगा ठीक है मेरे प्यारे प्यारियों की प्यारी प्यारी, प्यारी, प्यारी बहनी जिनका सपना है टीटी एग्जाम -टी को एक ही बार में फतेह करना सभी कमेंट कीजिएगा जय स्वास्थ्य सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं साथियों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं आपके ई पी पलाव महोदय जी ही माने जाते हैं ठीक है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये दिनों दोनों हो जाएंगे आपके ई पी पलाव महोदय की बात करेंगे अगला प्रश्न है की अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है जी हाँ जो आपका क्लासकी अनुबंधन सिद्धांत है इनमें से जो तत्व है किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है तो क्लासकी अनुबंधन सिद्धांत की अगर बात करें तत्व की बात करें और सबसे अधिक जोर देने वाले तत्व की बात करें तो वह है साथियों पुनरावृत्ति ठीक है क्लासकी अनुबंधन सिद्धांत में जिस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है वह पुनरावृत्ति नोट कर लीजिएगा सारे पी डी एफ फाइल नोट्स प्राप्त कीजिए टेलीग्राम से जुड़िए लिंक दे दी गई ऑलरेडी आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था अब हमें ये पता होना चाहिए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है तो अपने आप पता चल जाएगा किस पर प्रयोग किया गया है ठीक है तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया है तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है सभी जानते होंगे ई पी पौलाव महोदय जी का है तो किस जानवर पर प्रयोग किया गया है पाला ने पोलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है ठीक है तो कुत्ते पर जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कुत्ते पर या कुत्ते जानवर पर प्रयोग किया गया था वह जानवर का नाम कुत्ता है थांडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे जी हाँ फटे फटर अंदाज में कमेंट कमें कीजिएगा जी हाँ साथियों जब भी थांडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं अमेरिकी निवासी हैं एनिमल इंटेलिजेंस पशु वैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की बुक से इनकी पशु मनो वैज्ञानिक हैं प्राथमिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने मुख्य नियम दिया अभ्यास तत्परता प्रभाव या परिणाम का नियम और पांच गौर नियम दिए थे बहुप्रक्रिया का मनोवृत्ति का आंशिक क्रिया का आत्मक्रिया का सहचर किया का ठीक है तो थान्डा एक मनोवैज्ञानिक आपके अमेरिका देश के निवासी हैं। अगला है, है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उत्पीड़न उद्दीपन किसे कहा गया है तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में जो प्रकृति का उद्दीपन कहलाता है वह हमारा सभी लोग जानते हैं हम बात करेंगे भोजन क्या होगा उद्दीपक मृत मछली है लेकिन प्रकृति का उद्दीपक यहाँ पे आपका भोजन कहला जाएगा तो यहाँ पे जो भोजन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी प्रक्रिया भैया देखिए भोजन और लार निकलना दो चीज़ें हैं भोजन एक आपका स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया उद्दीपक और प्रतिक्रिया ये दोनों चीज़ें देखिएगा दूसरा पॉइंट है घंटी घंटिंग घंटी क्या है यहाँ आपकी कृत्रिम उद्दीपक घंटी है भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है इसके बाद लार निकलना क्या है यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी तो स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी लार निकलना स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया की बात करेंगे ठीक है आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की थांडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था सभी लोग बताइए अभी हम बात कर चुके हैं ठीक है अभी हमने बात किया ई पी पॉलाव का जिक्र आया लेकिन थांडाइक का जब भी जिक्र आता है तो सभी जानते होंगे थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया हमने आपको बता भी दिया था बिल्ली म्याऊ म्याऊ जो बोलती है ना घरों में उसी पर प्रयोग किया गया था थंडाई के द्वारा थंडाई का सिद्धांत क्या है सभी लोग बताइए थंडाई का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है तो थंडाई का सिद्धांत जो कहलाता है वह उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है किसका कहलाता है थंडाई का सिद्धांत जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है पौलाव ने अपने प्रयोग किस पर किसके ऊपर प्रयोग किया था तो सभी जानते हैं पौलाव ने अपना जो प्रयोग है कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था यहाँ पे कुत्ता राइट ऑप्शन आ जाएगा ठंडाई का सिद्धांत क्या कहा जाता है ठंडाई का सिद्धांत एस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है किस सिद्धांत के ठंडाई का सिद्धांत एस बॉन्ड या एस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है थंडाई के एस ऑर आर क्या है आपने पढ़ा होगा एस ऑर आर थंडाई में सिद्धांतों में पढ़ा होगा तो एस जो होता है वह आपका उद्दीपक होता है एस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एस आपका उद्दीपक हो जाएगा और जो आर होता है वह क्या कहलाता है अनुक्रिया कहलाती है ये ध्यान दीजिएगा ठीक है एस उद्दीपक और आर आपकी अनुक्रिया होती है अगला प्रश्न संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया जी हाँ जब भी संबंध का जिक्र होता है संबंध संबंधवाद का जिक्र होता है एक ही ऑप्शन आता है और वह ऑप्शन कौन है सभी फटाफट बताइए हम बात करेंगे थांडायिक मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे जी हाँ संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया संयोजनवादी का सिद्धांत किसने दिया एसआर बॉन्ड किसका है ये सारे आपके थांडाई मनोवैज्ञानिक के अगला प्रश्न है थांडाई का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो थांडाई का अधिगम का सिद्धांत सभी परिचित होंगे प्रयास शब्द प्रयास शब्द देखेगा था का जिकरा ही जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का तो आज थांडाई का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है थांडाई के प्रयोग में बिजली के लिए पुरस्कार स्वरूप था क्या था बिजली नहीं पे बिल्ली है मिस प्रिंट है ठीक है, है तो थांडाई के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था सभी लोग बताइए तो पुरस्कार पुरस्कार स्वरूप मृत मछली या कह सकते हैं भोजन थांडाई के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था भोजन था अगर पिंजरे पर उसका पंजा पड़ेगा पिंजरा खुलेगा तो उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थांडाई के किस नियम पर आधारित है अब देखिए थांडाई के नियम को भी आपको डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रकार के अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक है तो किस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थांडाई के यानी किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थांडाई के किस नियम पर आधारित है तो बार बार शब्द आ गया बार बार शब्द आ रहा है मतलब आप अभ्यास कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब बार बार मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है हम ये बार बार सिलेबस क्यों पढ़ते हैं बार बार रिवीजन करते हैं कभी अभ्यास के तौर पर कभी प्रैक्टिस सेट अभी इसके आगे करेंगे फिर आपके मॉडल पेपर्स करेंगे तो ये क्या होता है मतलब अभ्यास का नियम की बात करेंगे तो किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है वह कहलाता है थंडाई के अभ्यास नियम पर यह आधारित है अभ्यास नियम का हो जाएगा और थंडाईक ने क्या दिया है थंडाइक ने प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम तत्परता का नियम दिया है ये तीनों मुख्य नियम के तीनों भाग हैं और गौर नियम के पाँच भाग हैं जो हम आपको बता भी चुके हैं ठीक है आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं तो अभी हमने बात किया पिछले क्वेश्चन पे प्रभाव अभ्यास तत्परता का तो थांडाइक के द्वारा प्रतिपादित जो मुख्य नियम तीन हैं और गौर नियम आपके पांच है और यह अक्सर पूछा जाता है मुख्य नियम गौर नियम में से जरूर प्रश्न आता है अगला प्रश्न है एक बालक ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया जब भी कुत्ता बालक को देखता है तुरंत भाग जाता है कुत्ते की यह सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी

तो एस आर संबंध जो पाए जाते हैं थांडाई के सिद्धांत पर पाए जाते हैं दूसरा एक आता है आर आर तथा एस एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते किस पर होते हैं तो आर आर एस एस जो संबंध होते हैं वह आपके थंडाई के सिद्ध थंडाई के सिद्धांतों में विद्यमान होते हैं अगला दिया गया प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम ठीक है तत्परता का नियम परिणाम ये सारे हमारे थांडाई महोदय जी के ठीक है तो प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है थंडाई के द्वारा प्रतिपादित किया गया है नोट कर लीजिएगा अगला प्रश्न है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता थांडाई के किस नियम पर आधारित यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार शब्द आए तो एक ही करना है वह आपका अभ्यास का नियम अगला प्रश्न है स्क्नर किस देश के निवासी थे जी हाँ फटाफट बताइए स्क्नर जो है किस देश के निवासी थे सभी परिचित हैं जब भी स्क्नर का जिक आएगा ठीक है एंड आपके ई पी पौलाव महोदय जी रूसी के हैं थान्डाइक का जिक्र आता है थांडाइक कहाँ के हैं देखिए थांडाइक और स्कनर दो ऐसे एक मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका है इनके कहाँ के निवासी हैं थांडाइक एंड स्क्नर ये अमेरिकी निवासी हैं नोट कर लीजिएगा दोनों एंड संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है सभी परिचित होंगे किसकी बात करेंगे चूहे के चूहे पर किसने प्रयोग किया चलिए फटाफट बताइए चूहे पर किसने प्रयोग किया था स्किनर ने प्रयोग किया था संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपके स्कनर महोदय जी हैं आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव पर किया ये भी दिलचस्प क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा देखिए अपना पहला प्रयोग यह भी ध्यान दीजिएगा स्किनर ने दो प्रयोग किए थे अपना प्रयोग प्रयोग जो है किस पर किया पहला प्रयोग जो है चूहों पर किया था दूसरा प्रयोग जो है स्किनर ने किस पर किया कबूतर पर ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा पूछा जा सकता है स्किनर ने दूसरा प्रयोग किस जीव पर किया कबूतर पर स्किनर ने पहला एवं प्रथम प्रयोग किस जीव पर किया चूहे पर ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है कोहलर किस देश के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था सभी कमेंट कीजिएगा तो भैया ध्यानपूर्वक समझेगा मेरे प्यारे मित्र मेरे भाई बहन सिस्टर्स ब्रदर्स टीचर्स सभी ध्यानपूर्वक सुनेगा कोहलर किस देश के निवासी थे सभी बताइए अभी हमने थांडाई का जिक्र किया स्किनर का जिक्र किया ये आपके कहाँ के निवासी अमेरिकी निवासी हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लेकिन ई पी पाओलाओं का जिक्र आया तो रूसी मनोवैज्ञानिक लेकिन वहीं पर कोहलर अगर पूछा जाता है कोहलर किस देश के निवासी थे एवं इन्होंने किस पर प्रयोग किया है तो ये सभी लोग जान लीजिएगा कोहलर जो है जर्मनी के निवासी हैं हाँ पर कोहलर का नाम आया जर्मनी शब्द याद रखिएगा और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया वन मानुस की बात करेंगे चिंपाजी नामक बंदर की बात करेंगे ठीक है तो ये दोनों तीनों पॉइंट याद रखना है जर्मनी और वर्मानुस कोहलर आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की स्कनर का सिद्धांत कौन सा है स्कनर का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है देखिए जब भी सक्रिय शब्द देखेगा जी हाँ सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत जब भी देखेगा स्कनर महोदय का नाम शुरू पर आ जाएगा स्कनर का सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया एक ही जवाब आएगा क्रियात्मक अनुबंधन या अनुबंध सिद्धांत किसने दिया स्कनर महोदय जी ने ही दिया था अगर प्रश्न आ जाए कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपका जवाब क्या होना चाहिए फटाफट बताइए कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है एक ही जवाब होना चाहिए भैया एक ही जवाब जवाब है आपका जी क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्कनर महोदय जी अगला प्रश्न है नैमित अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये जब हमने आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के 200 प्रश्नों की ऑलरेडी क्लास बना चुके हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जी हाँ इंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे जी हाँ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के 200 प्रश्नों के 200 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रश्न अगर वो प्रश्न आपने पढ़ लिया तो सिद्धांत तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान सारे सिद्धांतों का निचोड़ वहां पर आपको मिल जाएगा तो नैमित्तिक अनुबंधन पूछा जा रहा है तो नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो नैमितिक अनुबंधन को साथियों अन्य जो नाम है इसका वह आपका क्रिया प्रसूत जी हाँ क्या नाम है साथियों अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न पर है कल्पना जितनी अधिक होगी सूज सूज की क्षमता यहाँ पे क्या होना चाहिए सूज ये वाला सूज ठीक है ए, एक सेकंड ये वाला झाज झंडे वाला झा झंडे वाला सूज होना चाहिए तो कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता विकास भी उतना अधिक होगा समझ गए होंगे प्रश्न को कल्पना जितनी अधिक होगी सूझने की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा किसने कहा है ये और कोई नहीं कहा, नहीं कहा है कोहलर ने कहा है कोहलर ने क्या कहा है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझने की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होता है कोहलर महोदय जी ने कहा है अगला प्रश्न है बस ज़्यादा नहीं दस से बारह प्रश्न और बचे हुए हैं चिंपाजी सुल्तान पर किसने या किसके द्वारा प्रयोग किया गया था सभी बताइए जी हाँ जब भी सुल्तान चिंपाजी सुल्तान बंदर का जिक्र होता है एक ही नाम आता है कोहलर महोदय की बात करेंगे कोहलर का प्रयोग जो है सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है ये आपको कमेंट करना है दस से पंद्रह सेकंड आपको हम टाइम दे रहे हैं आपका माइंड चेक कर रहे हैं आपके नॉलेज की गहराई देख रहे हैं कमेंट कीजिए कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है सभी बताइए हमने उस शब्द का जिक्र भी किया है और वो शब्द सभी लोग जान समझ गए होंगे अभी कमेंट आ चुका है ठीक है कहते हैं ना इशारा काफ़ी होता है समझाने का और एग्ज़ाम में अगर कोई इशारा भी कर दे तो पता है कि अस्सी से नब्बे परसेंट रिजल्ट आने वाला है कोलर का प्रयोग सीखने किस सिद्धांत से संबंधित होता है सूझ के सिद्धांत से संबंधित होता है एंड सीखने के अंतर्ज सिद्धांत किसकी देन है सभी बताइए एक हिंट आपको दे देता हूँ सीखने की अंतर्ज सिद्धांत जो देन है एक ग्रुप की देन है ठीक है आपको बताना है कौन से ग्रुप की देन है मनोवैज्ञानिकों की देन है गिस्टाल्ट देन है व्यवहार वादियों की देन है ठीक है किसकी देन है तो सीखने की अंतर्जस का सिद्धांत जो देन है आपके गेस्टाल्टवादियों की देन है नोट कर लीजिएगा अंतर्दस या सूज वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालीन ज्ञान क्या कहलाता है तत्कालिक ज्ञान जी हाँ अंतरदृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक जो ज्ञान कहलाता है किसके अनुसार है यह गुड़ के अनुसार कथन है कि अंतरदृष्टि या सूझ का वास्तविक जो आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है किसने कहा है गुड़ ने कहा है ये आपको ध्यान देना है क्योंकि गुड़ जब खाते हैं तो तात्कालिक मीठा मिलता है तात्कालिक ज्ञान मतलब गुड़ को जिब्य हम रखा नहीं कि मिठास हमें मिल जाती है नोट कर लीजिएगा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हल्का सिद्धांत जी हाँ हमारे हमारा जो देश है कृषि प्रधान है राज्य भी कृषि प्रधान है और अक्सर अब तो ट्रैक्टर के जमाना चल रहा है जब हम बचपन पे थे कभी हमारे याद भी नहीं है उस समय जो हल चला करते थे खेतों में एक चहचका है चिड़िया जो चहकती थी खेतों पर जोताई होती थी बैल के द्वारा ठीक है तो सब लोग एक प्रकार से कह सकते थे ये कि सबलीकरण का जिक्र हो गया तो हल का सिद्धांत कहलाता है सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है एंड अगला प्रश्न है कोर्ट लेविन का सिद्धांत जी हाँ कोर्ट लेविन का सिद्धांत या लेविन ने किस सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं तो संगनात्मक क्षेत्र जी हाँ जब भी संगनात्मक क्षेत्र का सिद्धांत का जिक्र आएगा एक ही नाम आपके युवा पर होना चाहिए आपके माइंड पर होना चाहिए आपके माइंड पे मेमोरी पर सेव होना चाहिए कोर्ट लेविन जी हाँ संगनात्मक क्षेत्र के सिद्धांत किसने दिया कोर्ट लेविन ने दिया अगर प्रश्न आता है टालमैन का सिद्धांत जी हाँ टालमैन ये हमेशा टालते रहते हैं लेकिन एक ध्यान दीजिएगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है सफलता बनना है तो अधिगम को कभी मत टालिएगा अधिगम सीखने को कभी मत टालिएगा अधिगम हमेशा सीखते रहिए तो टालमैन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा एंड अगला प्रश्न है हरलाक के अनुसार जो विकास होता है किस पर होता है तो हरलाक ने कहा है जो विकास होता है वह गर्भधारण से जन्मकाल तक का होता है ये भी जान दीजिएगा हरलाक के अनुसार विकास की अवस्थाएं देख लीजिए गर्भावस्था जो होती है गर्भधारण से जन्म तक का काल कहा जाता है नवजात जो अवस्था होती है जन्म से लेकर चौदह दिनों तक जो है नवजात अवस्था कहा जाता है सहसा अवस्था जो होती है चौदह दिन से दो वर्ष तक का काल कहलाता है हर लॉक के अनुसार एंड जो बाल्यावस्था होती है दो से लेके ग्यारह वर्ष तक होती है एंड जो किशोरावस्था होता है वे ग्यारह से लेकर इक्कीस वर्ष तक होता है तो ये पांचों अवस्थाएं गर्भावस्था नवजात अवस्था सहसा अवस्था, अवस्था, अवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था ये पाँचों अवस्थाएं स्क्रीन शाट ले लीजिएगा ये हर लाख के अनुसार है काफ़ी बार पूछा जाता है बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फिर बाद में प्रश्न टप हो जाते हैं क्योंकि जो प्रश्न हमें बनता नहीं है जो हम पढ़ते नहीं हैं वही हमारे हमारे लिए टप हो जाते हैं ठीक है जो कुछ हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो उससे हमें एक्सेंस लगा लेते हैं कि ऑप्शन सही होगा अगला दिया कि बाल विकास के गति के सिद्धांत को किसने दिया जी हाँ शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी प्रश्न आएगा जी हाँ बाल विकास के गति का सिद्धांत बाल विकास आप पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ठीक है शिक्षा शास्त्र फेड़ोबाजी पढ़ते हैं लेकिन बाल विकास के गति के सिद्धांत को देने वाले कौन तो गति के सिद्धांत को दो महोदय देने वाले हैं वो आपके डगलस एंड हॉलैंड तो बाल विकास के गति के सिद्धांत किसने दिया अगर जिक्र आता है डगलस और हॉलैंड का नाम ले लीजिएगा एंड अगला प्रश्न है परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया तो जब भी इस संबंध का जिक्र आता है सभी परिचित होंगे था महोदय जी का जिक्र आता है थांडाइक एवं तुटी का सिद्धांत थाांडाइक महोदय जी का जिक्र आता है जो एस होता है थांडाइक महोदय में एस आर थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो एस जो होता है वह होता है स्टूमिलस और आर जो होता है वह होता है रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया संबंध का संबंधवाद का सिद्धांत प्रयास तुटी का सिद्धांत प्रयत्न व भूल का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत संयोजनवादी का सिद्धांत सारे आपके थांडाइक एक जी के और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अव्यक्ति क्षमता का विकास क्या होता है देखिए साथ ही आयु परिवर्तन के साथ ही बालकों के सीखने की प्रवृति भी प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है सीखने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है बाल्यावस्था में बालक सबसे लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं संयम लेता है और भाषा विकास के अनुसार बालक पहले वर्ण वर्ण से शब्द शब्द से वाक तथा वाक्य से फिर भाषा सीखता है तो भाषा विकास की प्रगति जान लेते हैं किस आयु में कितने शब्द तक हो जाती है प्रगति तो बच्चे में जन्म आठ माह तक कोई भी शब्द की प्रगति नहीं होती है दस माह में लगभग लग लग एक शब्द की एंड एक वर्ष में तीन शब्दों की या कह सकते हैं माता पिता या कुछ ऐसे शब्द बच्चा बोलने लगता है एंड एक वर्ष से तीन माह तक उन्नीस शब्दों की हो जाती है एक वर्ष से अधिक जो है आपके वह कहलाते हैं बाईस शब्दों की बात करेंगे एक वर्ष से छः माह तक यहाँ पे एंड एक वर्ष से नौ माह तक में आपका एक सौ अठारह की बात करेंगे अठारह शब्दों की बात करेंगे दो वर्ष तक दो सौ बहत्तर शब्दों की बात करेंगे चार वर्ष तक ग्यारह सौ पचास शब्द पाँच वर्ष तक दो हजार बहत्तर शब्द और आपके छः वर्ष तक पच्चीस सौ बासठ शब्दों की बात करेंगे भाषा विकास की प्रगति की बात करेंगे तो ये महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत पॉल आव स्नर थांडाई कोला से संबंधित फिफ्टी प्लस हमने क्वेश्चन किए जो आपके पाँच से अधिक अंक निर्धारित कर देंगे ये क्लास को अगर अच्छी लगी हो आप लोगों ने अच्छे तरीके से फीडबैक किया बहुत बहुत धन्यवाद है और लाइक करें शेयर करें अपनी टी टीटी फैमिली में शिक्षकों के परिवार में सभी को शेयर करें क्योंकि सबका साथ सबका विकास क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश जय हिंद वंदे मातरम जल्द मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर